सनी देओल, दलकीर सलमान और पूजा भट्ट की फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट कल यानी 23 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। आर बाल्की द्वारा निर्देशित ये फिल्म साइकोपैथ सीरियल किलर की कहानी पर आधारित है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही दर्शक सनी देओल को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेकरार थे। हालांकि अब आखिरकार उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल की चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट धड़ल्ले से एडवांस बुकिंग कर रही है। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग के मामले में रणबीर कपूर की फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक दलकीर सलमान और सनी देओल की चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के रिलीज होने से पहले ही 1.25 लाख टिकट बिक चुके हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है। फिल्म की ओपनिंग डे पर 4 से 5 करोड़ रुपए की कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। बता दें कि सनी देओल और दलकीर सलमान की फिल्म चुप ने एडवांस बुकिंग के मामले में रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि शमशेरा ने केवल 46,000 टिकटों की एडवांस बुकिंग की थी। वहीं आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने केवल 56,000 टिकटों की बुकिंग की थी। चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट में फिल्म में सनी देओल और दलकीर सलमान के अलावा एक्ट्रेस पूजा भट्ट, श्रेया धनवंतरी, राजीव रविंद्र नाथन, राकेश भावसर और अभिजीत सिन्हा मुख्य किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को आर बाल्की ने डायरेक्ट किया है।